सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हमारे पास दो अलग अलग कार्स के एलईडी प्रोजेक्टर हमारे पास हैं, तो इनको मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से ये जल रहे हैं और ये किस तरह से काम करते हैं, इसकी वायरिंग सप्लाई क्या है, कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं इसमें, किन किन चीज़ों की इस मदद से इसको जलाया जा सकता है और इसको हम किस कार में इसको इंस्टॉल करेंगे, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में लास्ट में इसको बताऊँगा, ठीक है, अगर इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी स्विफ्ट का है, जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट है वो टॉप मॉडल का है। ये प्रोजेक्टर हेडलाइट के अंदर ही लग के आता है, ये इस तरह से, हाँ ठीक है। और ये जो इधर वाला है, ये हमारा मारुति सुजुकी सीएच का है, हैं। तो ये दोनों अलग अलग कार्स के हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों को यूज़ करने वाला जो कंट्रोल मॉड्यूल होता है वो सेम ही होता है। हर लाइट में अलग अलग मतलब लगे होते हैं, एक कार में दो हेडलाइट होती है, उनमें दोनों में अलग अलग लगे होते हैं, हेडलाइट के अंदर ही लगे होते हैं, उसको आप निकाल नहीं सकते। तो मैंने तो हेडलाइट को कट करके इसको दोनों प्रोजेक्टर बाहर निकाला है, और इसी तरह की इसमें एक ये बोर्ड भी होता है, ठीक है, कंपोनेंट बोर्ड जो आप देख सकते हैं ये। और इस तरह के दोनों तो सेम टू सेम है, भले दो दो गाड़ियों का अलग अलग के हैं, लेकिन दोनों का वर्किंग जो सिस्टम है वो दोनों सेम है, ठीक। और जो इसकी वायरिंग जो होती है, हेडलाइट के अंदर ही ये वायरिंग पड़ी होती है, तो इसको भी मैंने हेडलाइट के अंदर से ही निकाल लिया है। इसकी मैं वायरिंग इसको आपको सेट करके दिखा देता हूँ कौन सी कहाँ लगेगी। ये जो आपका कपलर है, ये आपके इस प्रोजेक्टर के मॉड्यूल के अंदर लग जाएगा, और ये दो आप सॉकेट देख रहे हैं, ये जो हमारा मदरबोर्ड है इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। और फिर मैं इसमें आपको जला के दिखा रहा हूँ इसको सप्लाई, दोनों की जो इसमें चार वायर है ये, और ये हमारी बैटरी में ये चारों वायर लग जाएंगे, ठीक। एक तो वायर ऐसा ही होता है सिंपल, उसका कोई यूज़ नहीं होता है, बाकी तीन वायर्स का हमें यूज़ रहता है। वो किस तरह से यूज़ रहता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। मैंने इसके ऊपर एक पहले से ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। इन दोनों की मैं वायरिंग कर लेता हूँ, ये आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सिंपली प्लग इन हो जाएगा, इसमें लगा दिया मैंने, ये स्विफ्ट वाली है, दोनों LR अलग अलग गाड़ी की है। और ये जो आप इसकी वायरिंग्स देख रहे हैं, इसकी मैं इसमें कनेक्टर में लगा देता हूँ, कोई भी वायरिंग इधर उधर, कोई भी मॉड्यूल इधर का उधर आप लगा करके इसमें जला सकते हैं, हैं। और ये मैं इसकी वायरिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसमें जला के दिखाता हूँ बैटरी से, जो कि इसकी जो एलईडी लाइट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होती है दोस्तों, जो हम लोग बाहर से आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाते हैं और जो ये कंपनी फिटेड होती हैं इनकी बात ही अलग होती है, बहुत ही बढ़िया जलती है। फ्यूज होने का तो कोई नामो निशान ही नहीं होता है, अगर ये फ्यूज होती भी हैं तो आपको कुछ नहीं, हेडलाइट पूरी चेंज करनी पड़ेगी, इसका बल्ब रिप्लेस नहीं कर सकते। मैं इसमें बैटरी में कनेक्शन दे रहा हूँ 12 वोल्ट से, ये ही जलेगी इस मॉड्यूल मदद से। ये जो आप नेगेटिव वाला वायर देख रहे हैं ब्लैक तरह का, इसमें ब्लैक वाले मैं ले लेता हूँ, और जो ब्लैक वाला इस साइड वाला जो इधर वाले मॉड्यूल का है इसका भी मैं इसमें सिंपली वायरिंग लगा लेता हूँ, इसी तरह से सेम टू सेम मैच करके दोनों को हम एक साथ ही जला करके आपको दिखाएँगे। और एक ही इसमें LED में अपर और डिपर मतलब लो बीम और हाई बीम दोनों इसी के अंदर ही है, बल्ब तो परमानेंटली एक ही जलता रहता है, मगर जो लो और हाई बीम होते उसके अंदर एक वो प्लेट टाइप की पड़ी होती है, मैंने उस एक पहले इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगी आई बटन ऊपर, उसमें देख सकते हैं, मैंने उसको पूरा इनसाइड करके दिखाया हुआ है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, किस तरह से वर्क करता है। तो आप ये देख सकते हैं दोनों हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और दोनों सेम टू सेम लाइटिंग है, ज़्यादा कम ज़्यादा वाली बात नहीं, मगर ये जो आपको गोल आगे प्रोजेक्टर देख रहे हैं वो थोड़ा उसका सर्कल में आया है और इसका थोड़ा हल्का सा चपटा टाइप का है। अब ये इसमें देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और इसकी जो लाइट फोकस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, दोनों की लाइटिंग तो सेम है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, आपको क्लोज रेंज में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, अगर ये लॉन्ग रेंज में हम इसको जलाते हैं अपनी रोड पर या गली में तो काफ़ी ज़्यादा लाइट इसकी है। तो इसमें हम ये हाई बीम का दिखा देते हैं, ये देखिए आप ये लाइट हाई बीम लो बीम हो रही है, जो ब्लू वाला हम वायर इसमें कनेक्ट करते हैं नेगेटिव वाले में, नहीं सॉरी पॉजिटिव वाले में, ये दोनों के ब्लू वाले वायर हम ले लेते हैं एक साथ और इसको लगा देते हैं अपने बैटरी के पॉजिटिव वाले में। तो ये देख सकते हैं आप दोनों के अपर लो और हाई बीम दोनों आप देख सकते हैं, ये तार लगाने पे हाई बीम होता है, बाकी वो नॉर्मल हमारा लो बीम जलता रहता है। तो हम इसको हम लॉन्ग रेंज में आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं रख करके जला करके, ये थोड़ा हल्का ब्लॉक की तरह मैंने शूट कर लिया है। आप ये इसकी LED दो देख सकते हैं, दोनों मैंने दीवार पर ही इसका गिरा दिया है लाइट को दीवार पर, आप ये देख सकते हैं सामने। अब फिर मैं इसमें कनेक्शन देता हूँ, फिर आप देखिएगा इसकी लाइट हाई बीम, ये देखिए
दोनों हाई बीम काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं, बहुत ज़्यादा हैं लाइट, मतलब मैं बता नहीं सकता। अगर आप रियल लाइफ में आपने देखा ही होगा सियाज या मारुति की जितनी कार्स हैं एलईडी जो कंपनी फिटेड होती हैं, काफ़ी ज़्यादा रोशनी होती हैं उसमें, ठीक है। तो ये दोनों इस तरह से, मैं इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक जेन मैं लेने वाला हूँ उसमें मैं इन दोनों को इंस्टॉल करके मैं दिखाने वाला, उसी के अंदर ही इंस्टॉल करूँगा मॉड्यूल वॉड्यूल उसी ग्लास के अंदर हेडलाइट के। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है लाइक करें और चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इन्हीं दोनों के ऊपर आने वाली है, कार में इंस्टॉल करके दिखाने वाले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।